आजकल काफी लोग आते हैं, लड़के लड़कियां डिप्रेशन में है, उदासीनता है, एंग्जाइटी है, और बोलते हैं कि ब्रेकअप हुआ है। तो ब्रेकअप होने का क्या कारण है? एक तो 1 साल 2 साल साथ में रहते हैं, डेटिंग कर रहे हैं, दोस्ती है, और ब्रेकअप क्यों हो गया? बहुत बार ऐसा होता है कि डेटिंग कर रहे हैं, साल 2 साल रिलेशनशिप में है, शादी करते हैं और शादी के 1 साल में ही ब्रेकअप, डिवोर्स हो जाता है। तो ये कौन सी बात है? तो हम देखेंगे ब्रेकअप के क्या कारण हो सकते हैं मोटे मोटे तौर पे। एक कारण ऐसा होता है कि भाई मुझे समझ के लेते नहीं। ये हर लड़की को या लड़के को, स्पेशली लड़की को ज़्यादा ऐसा लगता है कि मुझे है ना कोई समझ के लेता नहीं। दे डोंट अंडरस्टैंड मी और ही डजन अंडरस्टैंड मी। मुझे जो कहना है ना वो सुनता ही नहीं। मुझ पर क्या बीती हुई है या मैं कौन से मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट से जा रही हूँ, सुनता ही नहीं कोई। या वो लड़का सुनता ही नहीं, या वो मेरा बॉयफ्रेंड सुनता ही नहीं, मतलब ये कारण हो जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि ज़्यादा अपने बारे में बात करना, ईगो, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरा वैसा है। तो होता क्या है कि फिर वो जो है मैं, उसमें वो लड़की या लड़का, दोनों भी, ये लागू दोनों तरफ है, वो दूसरा दब जाता है, वो खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। तो हरदम जब आप साथ में हो तो मैं, मेरा 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 ऐसा, मेरा वैसा, मैं ऐसा हूँ, मतलब ज़्यादा खुद का बताना, इगोइस्टिक रहना, तो वो लड़की को या लड़के को ज़रा दुख भरा हो जाता है, या दुखता है, चुपता है, और फिर वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है कि भाई यहाँ तो कुछ स्कोप ही नहीं अपने करने का, अपन तो बहुत इंफीरियर है, ये तो बहुत बड़ा है, अपन तो लायकी के नहीं है। तो एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी लड़की को या लड़के को ऐसे मैंने बहुत देखे हुए हैं कि उनको लगता है कि नहीं, अपनी गैप बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो शादी को नकार देते हैं, ब्रेकअप कर डालते हैं। एक कभी हमारे घर में, मतलब एक पहचान के है, तो लड़की बहुत अमीर घर की, पढ़ी लिखी अच्छी सब, लड़का भी बहुत अच्छा होनहार, अरेंज मैरिज, मतलब बताया गया लड़का लड़की को देखे, एक दूसरे को पसंद भी आए, मगर एक शर्त के ऊपर वो उन्होंने ना बोल दिया लड़के वालों ने। बोले लड़की बहुत बड़े घर की है, बहुत अमीर है, और हम संभल नहीं पाएंगे, इतने हम अमीर नहीं हैं, और इतना गैप उनको लगा। ये होता है दूसरा कारण। तीसरा ये होता है कि कभी कभी आप क्या करते हैं कि एक दूसरे की उपस्थिति में तीसरा कोई आ गया तो उसको ज़्यादा महत्व दे देते हैं, उसके तरफ बात करेंगे, उसके तरफ जाएंगे, उसको हेलो हाय करेंगे। फिर जो लड़की आपके पास में या लड़का है तो उसको लगता है कि अपने को निगलेक्ट कर दिया, उसको शक आना चालू हो जाता है। फिर कभी ऐसा हो जाता है कि आपने सेकंड टाइम थर्ड टाइम भी ऐसा किया, हो सकता है कि आपने वो कोई मिल गया, साल भर के बाद में आप उसको हेलो हाय कर रहे, नेचुरल है, कोई गलत नहीं है, करना नहीं क्या, बिल्कुल करना चाहिए, मगर समझो ऐसा हुआ तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि भाई ये मुझे निगलेक्ट करके और अभी तीसरे के चक्कर में आई है क्या, ऐसा शक शुरू हो जाता है। तो फिर ये जो कारण है, ये कारण ब्रेकअप के हो जाते हैं। कभी कभी चौथा एक बहुत महत्व का कारण ये हो जाता है कि लड़की बहुत बार ऐसा सेक्स नहीं चाहती है, मतलब उसको उसको चाहत रहती है कि पास में लेना, अलिंगन देना, झप्पी मारना, मतलब इतना यहाँ तक ठीक रहे, और लड़का जो है पुरुष वो ज़्यादा कि एक्चुअली सेक्स करो, और वो यदि उसके ऊपर जोर जबरदस्ती कर देता है कभी, तो लड़की के मन में कभी घृणा उत्पन्न हो जाती है कि अरे ये तो सिर्फ सेक्स के लिए मेरे पास में आता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो वो पहचानता भी नहीं, बाकी तो फ़ोन भी नहीं करेगा, बाकी फ़ोन भी नहीं उठाएगा, तो फिर वो नाराज़ हो जाती है, और वो एक ब्रेकअप का और एक बड़ा कारण हो जाता है। तो इसीलिए देखना है कि भाई स्त्री को कभी भी फोर प्ले अच्छा लगता है, पुरुष को इंटरकोर्स अच्छा लगता है, मगर इंटरकोर्स उसके लिए बहुत जल्दी कर लिया और फोर प्ले किया नहीं तो प्रॉब्लम होता है। तो ये कारण आप देखते हैं तो डेफिनेटली ब्रेकअप नहीं होगा, आपकी मर्जी के खिलाफ डेफिनेटली नहीं होगा, रिलेशनशिप अच्छी चलेगी। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।